दे दिया, ठीक है। ओके, सो पीपल व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि इस चैप्टर, ये चैप्टर क्या मैं बाद में रिवील करूंगा, ठीक है, प्रॉपरली समझा के जब तुमको पूरा फील आ जाएगा तब इस चैप्टर का नाम बताऊंगा। अभी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर को समझने के लिए जो लैंग्वेज है वो समझना बहुत जरूरी है, जो टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजी है वो समझना बहुत जरूरी है, तो पहले हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वी ऑल नो अबाउट द वर्ड चेंज, राइट? चेंज अगर मुझे निकालना है, इट इज ऑलवेज द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जनता जवाब दो, यस सर, यस हमेशा सर, फाइनल यस वैल्यू सर, माइनस इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर हम एक फाइनाइट चेंज रिप्रेजेंट करें, कैसा चेंज? फाइनाइट चेंज। अभी मैंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या? फाइनाइट का मतलब ये है कि जो वैल्यू निकलेगा माइनस करने के बाद, वैल्यू विल बी फिक्स्ड, वो एक लिमिटेड वैल्यू होगा, वो एक डिफाइंड वैल्यू होगा। मैं तुमको एग्जाम्पल दे, सोचो कि y1 जो है इनिशियल वैल्यू है, लेट अस से दिस इज द इनिशियल वैल्यू, लेट अस से दिस इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है। y का पहला वैल्यू कितना था? 50 था, बाद में उसका वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया। सो व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y? द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इज 100 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 50। इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल, इज दैट यस सर, क्लियर? यस सर। तो चेंज इन y को सिंबॉलिकली, और एक बार, फाइनाइट चेंज इन y को सिंबॉलिकली हम डेल वाई से लिखते हैं। डेल क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल अगर किसी टर्म के आगे लगा हुआ है तो तुमको पता चल जाएगा कि ये सिंबल एक्चुअली क्या बता रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनाइट चेंज इन दैट टर्म, जिस टर्म के आगे लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया? ध्यान से देखो, ये वाला सिंबल यूज किया, दैट इज डेल वाई। इसको हम पढ़ते कैसे जनता? इसको हम पढ़ते डेल। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? How do we read this as? We read this as del y. There is change in the value of y. That is y final minus y initial. Come on, people. Yes or no? Yes, sir. Yes, देखो, yes, ये जो change हमने निकाला, ये जो 50 हमने निकाला है, ये तो एक fixed value है ना? इसका एक limit है ना? इसका एक size है ना? इसका एक end है ना? 50. It is defined. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि 99 initial value है और 100 फाइनल वैल्यू है, तो डिफरेंस कितना होगा? 1 भी फिक्स्ड है, 1 का एक लिमिट है, इट्स ऑफ अ फिक्स्ड साइज, 1 इज ऑफ अ फिक्स्ड साइज। यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं 99.5 और 100, लेट अस से 100 इज द फाइनल वैल्यू, 99.5 इज द इनिशियल वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस लिखो वो 0.5 निकलेगा। और जनता इस बात को समझो कि 0.5 एक डिफाइंड वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है 0.5, इसका एक लिमिट है, इसका एक फिक्स्ड साइज है। सर इसका मतलब क्या है? सर फिक्स साइज लिमिट इसका मतलब क्या है? मैं तुमको समझाता हूँ, मैं जब तुमको नेक्स्ट वाला एग्जांपल दूंगा तब तुमको इन वर्ड्स का मतलब समझ में आएगा कि डिफाइंड लिमिट है इसका, फिक्स साइज है इसका, एक एंड है। तो मैं अभी तुमको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे तुमको अच्छे से समझ में आएगा। बोलो, अब तक ये समझ में आया कि फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ट्राइंगल वाला साइन यूज करते हैं और इस ट्राइंगल को हम डेल बुलाते हैं। यस पीपल, यस, अगर ये समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, अभी अगर मैं तुमको बोलता हूँ, एक मिनट, यस, अभी अगर मैं तुमको ये बोलता कि ध्यान देना कि y1 का वैल्यू है 99.9999999, जाता जाएगा और जाता जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, 99.9999 जाता जाएगा। एंड y2 का वैल्यू हो गया 100, मतलब यहाँ पर y2 जो है वो एक्चुअली y फाइनल है, फाइनल वैल्यू ऑफ y, एंड y1 जो है दैट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ y। ध्यान से समझते। अभी अगर मैं पूछूं व्हाट इज द चेंज इन वाई, एक बार फील करो इस चीज को, व्हाट इज द चेंज इन वाई, उसका वैल्यू कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ये नहीं आएगा, 0.00000000 जाता रहेगा, ज्यादा जाता रहेगा, लास्ट में जाके एक वन आएगा। कम ऑन पीपल, यस सर, यस सर, नो, यस सर, नो। तो कांट आई से दिस वैल्यू इज इनफाइनिटली स्मॉल? ये इतना छोटा है कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इसका इसका अगर मैं बोलूं क्या ये फाइनाइट है? ये फाइनाइट नहीं है। कितना जीरो हमको पता नहीं है, मतलब ये क्या बोलूं, एक फील है, ये 0.00000000 सोता रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, 0000000 जाता रहेगा, लास्ट में जाके वन आएगा। तो ऐसे
इनफाइनिटली स्मॉल चेंज को हम डेल सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते. इनफाइनिटली स्मॉल मतलब बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल कि तुम कभी इसको देख नहीं पाओगे, प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाओगे. ये चीज तुम्हारे इमेजिनेशन में है सिर्फ, इतना छोटा है. वेरी 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 स्मॉल. डू पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? यस सर. यस सर. सबको समझ में है? सबको समझ में है? तो यहाँ पर अगर तुम इनफाइनिटली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करोगे तब तुम डेल वाला सिंबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तब बताया था डेल वाला सिंबल हम कब यूज करते हैं. हम तब यूज करते हैं जब हम पे फाइनाइट चेंज रिप्रेजेंट करना, एक फाइनाइट वैल्यू रिप्रेजेंट करना, फाइनाइट चेंज पे रिप्रेजेंट 50.51, ये फिक्स्ड वैल्यू है, डिफाइंड वैल्यू है, एक एंड है, इसका एक लिमिट है. लेकिन 0.0000 कितना जीरोस नहीं पता किसी को, ये सिर्फ कंसेप्ट है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल सिंबल यूज नहीं करते. यहां पर हम डेल सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय डी, हम डी सिंबल यूज करते हैं डेल के जगह. तो जैसे हमने डेल वाई लिखा था, यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम डी वाई लिखेंगे. बात समझ में आया? व्हाट इज डी वाई? डी वाई रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनिटली स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई. कम ऑन पीपल. Yes, समझ में आया सबको? यस सर. इज इट क्लियर? राइट. और ये जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल तुम के इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास को रिप्रेजेंट करना, इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, तुम कौन सा सिंबल यूज करोगे? डीएम. व्हाट डज डीएम रिप्रेजेंट? इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास. तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट एन इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास. फॉर एग्जांपल अगर तुमने डी क्यू लिखा, व्हाट इज डी क्यू? क्यू क्या होता था? क्यू होता था, इट वाज अ सिंबल फॉर चार्ज. याद है ना, करंट इज डिफाइंड एज चार्ज बाय टाइम टेकन. क्यू से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं. हाय ना जनता, जवाब दो. यस यस सर. डी क्यू अगर लिखेंगे, इट विल रिप्रेजेंट इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. सोचो तुमको बहुत ही छोटे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब तुम उसको कैसे लिखोगे? डी आई लिख दो. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. यू हैव टू रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. डी डब्ल्यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. अच्छा पार्टी बताओ, फील आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट, या बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, डीएस, डीएस विल रिप्रेजेंट ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर बहुत ही छोटे टाइम को रिप्रेजेंट करना है, डीटी, इट विल रिप्रेजेंट ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. अगर फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करना है तो डीएम नहीं लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे? डेलम. डेलम विल रिप्रेजेंट ए फाइनाइट चेंज इन मास. डीक्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए फाइनाइट चेंज इन चार्ज. डीआई का अगर फाइनाइट चेंज रिप्रेजेंट करना है, डेलआई. डीडब्ल्यू को अगर लिखना है तो डेल डब्ल्यू लिख सकते हैं. डीएस को लिखना है तो डेल एस लिख सकते हैं. और डीटी को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल टी लिख सकते हैं. सो अगर तुमने डेल वाला सिंबल यूज किया, वो एक फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करेगा. अगर डी वाला सिंबल यूज किया, डीएम, डीवाई, डीटी, दे विल रिप्रेजेंट इनफाइनिटली स्मॉल चेंजेस. बोलो फील आया नहीं आया? यस सर. पक्का? श्योर? यस सर. तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट. डन सर. इसका Is it clear? Come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Fine. I hope so. You know, ये बात समझ में आ गया.
अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम उसको खत्म करते करते, तो आज का क्लास यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है? लेट अस कंप्लीट द क्लास हियर एंड आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू फंक्शंस पढ़ाया, खुद से पढ़ना एक बार, सेल्फ स्टडी करना एक बार, फंक्शन जो मैंने नोट्स दिया उसको लिखो, उसको सेल्फ स्टडी करो, उसको समझो, डाउट है तो मुझे पूछो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाया उसके क्वेश्चन करो, उसको और एक बार रिवाइज करो, तब जाके फिजिक्स में अच्छा हो पाओ, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास कब है? व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास? टुमारो, टुमारो ना, तो कल हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके सर, यस बोलो सर, ईद मुबारक इन एडवांस, थैंक यू, सेम टू ऑल ऑफ यू, thank you sir, thank you sir, sir can you share this PDF? sir कल holiday होगा क्या? पता नहीं यार, principal बोलेगा यार, मेरे को पता नहीं है सब चीज़, ठीक होना तो चाहिए, normally देते हैं लोग, let's see, या नहीं देते पता नहीं, normally तो दिया जाता है, last year भी दिया गया था, इस साल का पता नहीं, अरे यार ये PDF में share नहीं कर सकता actually, थोड़ा मतलब difficult होगा मेरे लिए share करना, तुम लोग screenshots लो और इसी से ही बनाओ, ठीक है? नोट्स बनाओ, पीडीएफ दे दूंगा, तुम लोग नहीं बनाओगे, आई नो दैट, ओके सर, सर मेरा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए बोला, क्या प्रॉब्लम हो गया था? ना मतलब पहले का डिलीट हो गया था एक दो गलती से, कोई नहीं होगा, जो चाहिए मुझे बता देना या किसी दोस्त से मांग लेना, वो लोग लिया होगा ना उनसे, ठीक है? ओके डन, बाय, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Okay, fine. अच्छा, अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक कहानी है, उसको ना शांति से आराम से फोकस करके सुनना, ठीक है? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है. अभी देखो सीन क्या है कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? दिस इज अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप से ना मैं एक पत्थर गिराने वाला हूँ या स्टोन गिराने वाला हूँ, ठीक है? वी गोइंग टू ड्रॉप ए स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. सो यहाँ पर मैं इसको अपना रेफरेंस लेवल मानता हूँ, रेफरेंस लेवल में यहाँ से सारा डिस्टेंसेस मेजर करूंगा, सारा डिस्प्लेसमेंट मेजर करूंगा, ये हमारा रेफरेंस लेवल है. क्या बोला मैंने? रेफरेंस, रेफरेंस मतलब यहाँ से मेजर करेंगे ऊपर से, ठीक? और यहाँ पर वेक्टर का भी कंसेप्ट यूज होगा, सो याद रखना, अगर हम कोई यू नो वेक्टर क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं एंड दैट इज पॉइंटेड डाउनवर्ड, उसका अगर हम माइनस साइन यूज करते हैं, ऊपर पॉइंट करेगा तो प्लस साइन, राइट में पॉइंट करेगा प्लस, लेफ्ट में पॉइंट करेगा तो माइनस, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एक स्टोन है और मैंने माना कि स्टोन को हमने कब गिराया, जैसे टी इक्वल टू जीरो पे मैंने स्टोन को रिलीज किया. अगर मैंने स्टोन को रिलीज किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं? इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो लिख सकते हैं. आई होप सो सबको समझ में आया ये. यस पीपल? यस सर, यस सर. तो मैंने पूछा कि टी टाइम गुजरने के बाद, आफ्टर टी टाइम स्पेंड, ये बॉल कितना डिस्टेंस नीचे चला गया होगा, एंड यू ऑल नो कि यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम विल बी सेम बिकॉज द बॉल इन दिस केस इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. यस, यस सर. Just a minute. तरीका सिर्फ मेरा सर दिखाई दे रहा है, चलेगा, ड्रेस के लिए होगा मोस्ट प्रॉब्ली. अच्छा चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वी हैव ड्रॉप्ड अ बॉल, ठीक है? लेट अस से टी टाइम तक उसने वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे कवर किया, टी टाइम, सो दिस बॉल दिस हैज गॉन डाउन, लेट अस इट हैज गॉन डाउन वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज वाई, बॉल अभी यहाँ पर है. और अभी का टाइम कितना है? लेट अस से टी टाइम गुजर चुका है, सो दिस टाइम नाउ इन दिस केस इज इक्वल टू टी. वेरी सिंपल, एक बॉल को गिराया, टी टाइम उसने वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे कवर किया. सो वाई और टी का रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई?
ये कैसे निकाले कि कितना डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कवर हुआ है? वी कैन यूज अ वेरी फेमस फॉर्मूला दैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यस जनता, ये पढ़ा है तुम लोगों ने क्लास 9 में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यस सर. तो इसको ना मैं थोड़ा अलग से लिखता हूं. मैं ऐसे लिखता हूं एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. ऐसा लिखा मैंने एस वाई, एस सफिक्स वाई को लिखा हमने. यहाँ पर y मैंने इसलिए लिखा ताकि सबको ये पता चले कि हम जब ये इक्वेशन लगा रहे हैं, we are applying this equation along the y direction, ठीक है ना? क्योंकि आगे जाके हम दो डायमेंशन के साथ डील करेंगे, है ना? दो डायमेंशन में x भी होगा y भी होगा, तो कभी हम इक्वेशंस x के अलॉन्ग लगाएंगे, कभी हम इक्वेशंस y के अलॉन्ग लगाएंगे, तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो वो जो आदत है वो मैं तुम लोगों का अभी से डाल रहा हूँ. एस वाई का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ठीक है? तो एस वाई की जगह हम लोग क्या लिखे जनता, ये बताओ क्या लिखो? एस वाई की जगह डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या लिखो? अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, पिक्चर को देख के बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इन दिस केस. कम ऑन एनीवन, गिव इट अ ट्राई पीपल. What is the displacement along y direction in this case? Oh, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने पूछा y direction में displacement कितना है? Diagram में क्या दिख रहा है? ये बताओ ना. Diagram से answer दो. Can I say that is minus y? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट? माइनस y. यस, जवाब क्यों नहीं दे रहे यार तुम लोग? जवाब दो. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. माइनस क्यों लिखा जनता? व्हाई डिड आई राइट इट एज माइनस? कैन एनीवन टेल मी? सो इट्स इन अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस. इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. And this motion is happening under the action of gravity. And in this case, we can say that the acceleration along y direction is also minus g. माइनस जी हमने क्यों लिखा? बिकॉज एक्सीलरेशन जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? एस वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो इंटू टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से ध्यान देना हमको वाई का वैल्यू क्या मिलेगा. देखो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस जो है, राइट हैंड साइड में जो माइनस है, देयर फाइनली गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर. और वाई का वैल्यू हमको क्या मिलेगा ध्यान से देखो, दैट इज जी टी स्क्वायर बाई टू. यस यस पीपल, दैट इज जी टी स्क्वायर बाई टू. कोई डाउट? Yes, sir. Okay. हमने ना लास्ट क्लास में फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. क्या मैं ये कह सकता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? बिकॉज y का वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि तुमने टाइम का वैल्यू कितना पुट कर रहे हो इस इक्वेशन में. t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू g by 2 होगा. t का वैल्यू 2 पुट करोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? ट्वाइस g होगा. जनता समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कैन आई से योर y इज एक्चुअली ए फंक्शन ऑफ टाइम? बोल सकते हैं ना हम इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. We've talked about it in the last class. ठीक है? Okay, fine. ये function याद रखना, ठीक है? ये function है. इसमें t जो है वो input है, t जो है वो raw material है. t का value अगर हम put करेंगे तभी जाके y का value मिलेगा. t जो है वो independent variable है and y जो है वो dependent variable है. ठीक? अभी मैं ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद let us say the ball has further gone down. ball तो नीचे जाएगा. Let us say that the ball has further gone down. By further displacement of del y. Del y is the change in the value of y. बात समझ में आया? Ball और further कितना distance नीचे जाता है? Del y distance जाता है. And let us say कि del y distance cover करने में इस ball को कितना time लगा? Del t amount of time लगा. Is that clear? We are talking about finite values. कि y का value कितने से change हो गया? Del y से change हो गया. पहले y था, अभी नया y का value कितना है? Y plus del y. y प्लस डेल वाई. यू एग्री विद दिस? बिकॉज हमने सारा डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किया? हमने सारा डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर किया. और यहाँ से बॉल का लेटेस्ट पोजीशन पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? इट इज सर वाई प्लस डेल वाई. और फर्दर डेल वाई डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा जनता? मैंने लिख के रखा डेल टी. डेल टी इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कवर ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ डेल वाई इन द प्रोसेस. Yes or no, people? Give me a thumbs up अगर सबको समझ में आया. Yes? Give me a thumbs up अगर सबको समझ में आया. पक्का आया सबको? आगे बढ़े? Okay, yes, sir. Yes, sir. Sure? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान देना, लेकिन ध्यान देना.
मैंने कहा कि ये जो नया पोजीशन में है, नया पोजीशन में y का वैल्यू y plus del y है, एंड टाइम का वैल्यू कितना होगा जनता? टाइम का वैल्यू इन दिस केस होगा t plus del t. दिस इज द न्यू टाइम. तो अगर मैं पूछूं कि बॉल का जब डिस्प्लेसमेंट y plus del y होता है उस वक्त का टाइम कितना है, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? t plus del t. करेक्ट? यस. ओके फाइन. नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है ना, दिस इज अ फंक्शन जहां पर अगर हम टी का वैल्यू पुट करें तो हमको वाई का वैल्यू मिलेगा. इस फंक्शन में इन लेटेस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, ये जो लेटेस्ट वैल्यूज है, ये जो अभी का वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू से इनको पुट करेंगे, ये और ये. मतलब टाइम का वैल्यू टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे? टी प्लस डेल टी. एंड वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे? वाई प्लस डेल वाई. ठीक है, सो लेट अस पुट इट हियर. ठीक है, तो y की जगह ध्यान से देखना, y की जगह हमने क्या पुट किया? y plus del y. ठीक है, and that is equal to g by 2, and t की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? t plus del t the whole square. Now come on people, do you agree with this? Yes people, do you agree yes, with sir. this? Yes sir. Yes sir. अभी इसको ना थोड़ा सा ओपन अप करते हैं. y plus del y that is equal to क्या होगा? g by 2 हमने लिख दिया, ये कितना होगा? t square plus del t the whole square plus twice t into del t. ये लिख दिया हमने. ठीक है? Yes sir. अच्छा मैं इनका थोड़ा नाम दे देता हूँ. जैसे ये लेवल ओ है, ये लेवल ए है, ये लेवल बी है. बिकॉज आगे जाके मुझे इन नाम को यूज करना पड़ेगा. ठीक है? अच्छा पीपल, नाउ कैन आई से, नाउ कैन आई से दिस, अच्छा इसको पूरा निकाल देता हूँ. जैसे वाई प्लस डेल वाई पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. दैट इज जी टी स्क्वायर बाई टू है ना, प्लस जी डेल टी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस जी टी इंटू डेल टी. ठीक है, क्या ना इसे y एंड dt square by 2 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिकॉज इन दिस केस y इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? gt square by 2. यस, हमने लेफ्ट हैंड साइड के y को एंड gt square by 2 को कैंसिल आउट कर दिया. इज दैट ओके? हाय ना, जवाब दो जनता. इज दैट ओके? यस सर. यस, तो क्या मैं यहाँ पर डेल y, यहाँ से मैं डेल t कॉमन ले लेता हूँ. देयर इज अ रीजन फॉर दिस, थोड़ी देर बाद पता चलेगा. देयर इज g डेल t by 2 प्लस जी इंटू टी, ये लिख सकते हैं. अभी अगर मैं जी का वैल्यू पुट कर दूं, ध्यान देना, अभी अगर तुम जी का वैल्यू पुट करोगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने माइनस ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिख दिया है. जब हमने एक्सेलेरेशन का वैल्यू लिखा तब माइनस जी ऑलरेडी लिख दिया. अभी सिर्फ जी के जगह पर हमको मैग्नीट्यूड पुट करना है, और जी के जगह पर हम जो मैग्नीट्यूड पुट करेंगे दैट इज 10. माइनस 10 मत पुट करना, माइनस वाला काम हमने ऑलरेडी पहले करके रखा है जब हमने इक्वेशन में पुट किया था. सो दिस इज डेल टी, जी के जगह 10 पुट कर दो तो ये 5 टाइम्स ऑफ डेल्टी हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 टी. इज दैट क्लियर पीपल? बोलो ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक है, तो आगे बढ़ेंगे. कम ऑन सर, 5 प्लस से आ गया सर. क्या रहे सर? आई कुडंट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द 5 केम सर. 5 कहाँ से आया? g का वैल्यू 10 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 10 by 2. ओके ओके सर. ओके ठीक है. ओके यस. ओके सर, हो गया 5 डेल्टी प्लस 10 टी. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहां पर जो g का वैल्यू है ना, g का वैल्यू पुट किया, नंबर में पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया तो ये आ गया. ठीक है, इज दैट ओके? अभी जनता ध्यान से सुनना, मैं जो तुमको क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तुमको अभी ये पूछा, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट्स ए टू बी. क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा कि ए टू बी ये एक्चुअली ट्रेवल कर रहा है ना, तो ए टू बी जो है बॉडी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ये बताओ. कैन यू टेल मी द एक्सप्रेशन? डायग्राम से क्या मुझे बता सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम क्या लिखें? अच्छा, बिफोर दैट कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एवरेज वेलोसिटी? यस पीपल, total displacement by total time taken, total displacement divided by time taken. yes, ekdam correct bola, ekdam sahi bola. aisa likho, because ab wale you know root mein displacement del y hai, aur is del y distance ko cover karne mein ya del y displacement ko cover karne mein del t time laga hai. yes people. yes sir. sir yes sir. del y by del t. okay, to हमको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देना. ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये जो वैल्यू है
अभी जो हमने जस्ट नाउ इक्वेशंस को लेके डील कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ से डिराइव करेंगे। यहाँ से देखो डेल वाई लेफ्ट राइट हैंड साइड से हम डेल टी को नीचे लेके आ गए और यहाँ पर वैल्यू कितना बचा, जी इंटू डेल टी बाई टू प्लस जी। अच्छा 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 जी के फॉर्म में नहीं लिखता, जी के फॉर्म में नहीं लिखता, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ फाइव टाइम्स ऑफ डेल टी प्लस टेन टी होगा। डेल टी को अगर हम डेल वाई के नीचे लिख दे, हम डेल वाई बाई डेल टी दैट इज फाइव टाइम्स ऑफ डेल टी प्लस टेन टी। कमऑन पीपल। यस सर। यस सर। यस यस सर। तो कैन आई से ये जो एक्सप्रेशन निकला, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ डेल टी प्लस टेन टी। यस और नो पीपल? यस सर। यस सर। ये एक फॉर्मूला निकाल दिया हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने का, जहां पर डेल्टी क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम, और टी क्या है, टी इज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। बिगिनिंग मतलब जहां से तुमको एवरेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। सो टी जो है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। बिगिनिंग इन द सेंस कौन से पीरियड के लिए पूछा गया, अगर टू टू थ्री सेकेंड्स पूछे तुमको कोई, समवन इज आस्किंग यू कि मुझे ये बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू टू सेकेंड्स टू टी इक्वल टू थ्री सेकेंड्स। तो टू क्या होगा, टू इज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। यहाँ जो एक्सप्रेशन में ये टी है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। टू टू थ्री सेकेंड्स में टू को हम टी का वैल्यू मानेंगे, टू को हम टी का वैल्यू मानेंगे। जनता बोलो, ये समझ में आया नहीं आया, बताओ? राइट। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके सर। मैं इस चीज को और एक बार लिख के देता हूँ, ठीक है, लेट मी राइट इट अगेन। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एवरेज वेलोसिटी मतलब डेल वाई बाई डेल टी को हमने कैसा लिखा, फाइव टाइम्स ऑफ डेल टी प्लस टेन टी। एंड आई होप सो सबको समझ में आया कि इस चीज़ को हमने किस तरीके से डिराइव किया। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, एक काम करो, इसका एक स्क्रीन शॉट लेके रखो, इसका एक स्क्रीन शॉट लेके रखो। ले लिया? ओके फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एवरेज वेलोसिटी। नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विद सम सिचुएशंस। लेट अस से तुमको एवरेज वेलोसिटी पूछा है फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो। लेट अस से, अच्छा जीरो से चालू नहीं करते, छोड़ो, दूसरे टाइम से चालू करते। लेट अस से टी इक्वल टू 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 टी इक्वल टू फाइव सेकेंड्स। समझ में आया, क्या निकालने दिया है, एवरेज वेलोसिटी निकालने दिया फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो, सॉरी टी इक्वल टू 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 टी इक्वल टू फाइव सेकेंड्स। ठीक है, इज इट ओके? यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इन दिस केस वी कैन यूज दिस रिलेशन वी हैव जस्ट नाउ डिराइव्ड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ डेल टी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल टी इन दिस केस, डेल टी का वैल्यू क्या होगा अभी? मैंने जस्ट नो समझाया बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मैंने जस्ट नो बताया तुमको, तुमको जो स्पैन ऑफ टाइम दिया गया है, जो पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, उस पीरियड का बिगिनिंग टाइम को टी रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो पीरियड दिया हुआ है टू सेकेंड्स टू फाइव सेकेंड्स, और इज द बिगिनिंग ऑफ दिस टाइम पीरियड, द बिगिनिंग ऑफ दिस टाइम पीरियड इज टू सेकेंड्स। जनता अगर समझ में नहीं आ रहा बताओ, क्योंकि ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले तुमको दस बार पूछा है कि समझ में आया नहीं आया, टी किस टाइम को रिप्रेजेंट करता है कहानी में, टी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। Come on, people. Yes or no? हमने average velocity निकाला था A to B, है ना? A to B. T किसको belong करता है? T A को belong करता है.
टी वाला टाइम किसको बिलोंग करता है? टी वाला टाइम ए को बिलोंग करता है. ए जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड, एंड इन दिस केस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स. क्या ये सबको क्लियर हुआ? ये बताओ. यस सर. क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस यस सर. जी यस सर. भूलना मत, लेकिन अपने नोट में अच्छे से लिख के रखना अगर ये डाउट हो रहा है तो. ठीक है, इनटू 2 तो कितना आ जाएगा जनता? दिस इज 15 प्लस 20 दैट इज 35 मीटर पर सेकंड. ये आ गया. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी. ये हमने क्या किया यहाँ पर? हमने एक इक्वेशन का हेल्प लिया एवरेज वेलोसिटी निकालने का. नॉर्मली हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी बाय राइटिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. यस पीपल. अभी देखो मैं इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूँ. ठीक है, यस बोलो. What does delta represent? Delta represents a change of time. Yes. The initial time kitna hai? 2 seconds. Final time kitna hai? 5 seconds. मुझे थोड़ा सा डरा रहे क्योंकि ये जो पढ़ाया मतलब ये सब समझ में नहीं आया क्या तुम लोगों को? ये जो पढ़ाया जस्ट नाउ आया ही नहीं आया? बताओ. आया सर. डेल्टी तो डिफरेंस टाइम हुआ ना यहाँ से ए टू बी. यहाँ पर 2 to 5 सेकेंड्स होगा. डेल्टा इज द डिफरेंस ऑफ टाइम. 2 to 5 कितना होगा? 3 का डिफरेंस होगा. एंड टी का वैल्यू क्या होगा? टी इज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड. ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ. फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू टी इक्वल टू मैंने 3 सेकेंड्स कर दिया. मैंने बोला कि इन दोनों टाइम पीरियड के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालो. वी एवरेज तो जनता जवाब दो 5 इंटू डेल्टा. डेल्टा की जगह हम क्या लिखे? 1. Yes. Plus 10 into t. T के जगह हम क्या लिखें? 2. Yes. कितना आया? 25. अच्छा, तुमने एक चीज देखा कि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? What is the difference between them? Final t. So final t. Yes. Final t तो है ही. But मैं क्या कर रहा हूँ? Delta t के वैल्यू को छोटा कर रहा हूँ. Do you realize this? इनिशियली डेल्टा का वैल्यू 3 था, अभी डिक्रीज करके हमने 1 कर दिया. देखो मैं आगे भी जाके यही करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा. चलो और एक सिचुएशन लेते हैं. फ्रॉम ध्यान देना हां t इक्वल टू 2 सेकंड्स टू t इक्वल टू लेट्स से 2.1 सेकंड एवरेज वेलोसिटी पुट क्या होगा? 5 डेल्टा. डेल्टा इन दिस केस इज 0.1. यस सर. यस सर. नॉट एवर. Yes, and yes, 10 sir. into t. T के जगह हम लोग क्या put कर देंगे? 2 put. 2. T is the beginning of the time. तो कितना हो जाएगा जनता? 20.5. ध्यान से देखें इस पूरे process में हम क्या कर रहे हैं? We are decreasing delta. Delta का value हम क्या कर रहे हैं? Decrease कर. ठीक है. अभी अगर मैंने तुमको बोला, ध्यान देना जनता. Listen very, very carefully. If I say, find out the value of average velocity. या एवरेज बोलना गलत. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुमको ये बताया फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू टी इक्वल टू 2.0001 सेकेंड ऐसा टाइम इंटरवल दे दिया. कैसा टाइम इंटरवल दे दिया जनता? फ्रॉम टी इक्वल टू 2 से लेके 2.000 इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो उसके बाद एक 1. People understand कि ऐसा ही केस हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. Yes people. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. तो अगर मैंने ध्यान देना टाइम डिफरेंस को इनफाइनिटसिमली स्मॉल बना दिया. क्या बना दिया? इनफाइनिटसिमली स्मॉल. ध्यान देना लेकिन ना एक बार मैं v एवरेज का फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ. दैट इज 5 times of delta plus 10t. मैं कहना इससे delta का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ
It is 0.0000, infinite number of zeros. Uske baad one. Yes, sir. Do you agree with this? So, agar aisa hai, can I say this quantity is nearly tending to zero? Yes, sir. Itna chota hai, itna chota hai, ki ye jo quantity hai, this is tending to zero. Right? Agar ye tending to zero hai, jab hum problem solve karenge, na hum kya karenge? Is expression ko agar dhyan do, it is so small, ki is quantity ko hum zero hi maan lenge. Delta tends to zero, hum log yahan par in this case zero maan ke. V average jo hum le lete hain, abhi hum V average nahi bata sakte. We cannot call this as V average. Because dekho, agar tumko yaad hai, मैंने तुमको instantaneous velocity and average velocity के बारे में discussion किया था और मैंने तब तुमको ये बताया था कि अगर तुमको एक बड़ा सा period of time दिया गया है तभी जाके तुम average निकाल सकते। If the time interval is infinitely small, अगर मैं तुमको पूछूं कि 2 seconds में and 2.0000 infinite number of zeros 1 second में कितना time का gap है, तुम बोलोगे सर इट इज negligibly small. The time difference between 2 and 2.0 infinite zeros and 1 is a time gap, it is infinitely small. Ye time itna chota hai ki is time ka agar main velocity bataunga usko main average nahi bolunga, usko main instantaneous velocity bolunga. Janta dhyan se suno, abhi agar main isi formula ko use karke v ka value nikal do to wo v average nahi nikalega. Fir se keh raha hu v average isliye nahi nikalega because average ke liye humko period of time chahiye hota aur ye jo hai ye period nahi hai, this is infinitely small amount of time. और इतने छोटे time को, such a small amount of time को हम period नहीं बुला सकते. हम बोलेंगे इस particular formula को use करके, इस time gap को use करके जो value निकलेगा, that will give you the value of instantaneous velocity at that particular point of time. जनता बोलो, ये जो lines बोला क्या ये समझ में आए? Have you understood this lines? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, yes, sir. I want it from everyone. Yes, sir. That's of course. Sure. Yes, sure. Sir. Yes, sir. So I would like you people to remember ki v average ka expression kya hota tha. V average ka expression hum del y by del t likh rahe the. But maine tumko kya sikhaya? Maine tumko ye sikhaya ki agar time bahut chota hai, very very small, if you are representing a very very small amount of time, tab hum del t symbol use nahi karte. तब हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हम डेल्टी की जगह डीटी यूज करेंगे और इतने छोटे टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम डेल वाई नहीं लिख सकते, हम उसको क्या लिखेंगे? डी वाई. सो अभी ध्यान देना अभी जो हम वेलोसिटी लिखेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इन दिस केस एक टर्म हम यूज करते हैं लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो. ध्यान देना हमें डेल्टी को क्या माना, हमने डेल्टी को टेंड्स टू जीरो माना और ऐसे करके लिखते हैं. हाँ, डेल वाई बाय डेल्टी, डरो मत, ये एक तरीका है लिखने का. एंड दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? डी वाई बाय डी टी. लिमिट, लिमिट का मतलब क्या है? ये डेल्टी कितना छोटा है? डेल्टी बहुत छोटा है. डेल्टी इज टेंडिंग टू जीरो. ये डेल्टी इज टेंडिंग टू जीरो और डेल्टी ये जो चीज है ये तुमने किसके आगे लगाया? ये तुमने डेल वाई और डेल्टी के आगे लगाया. इसको लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? डेल वाई जो है वो बदल के डी वाई हो जाएगा और डेल टी जो है वो बदल के क्या बन जाएगा? डी टी बन जाएगा. तो लिमिट जिसके आगे लगाओगे वो डेल जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा. बोलो, ये समझ में आया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. मैं एक छोटा सा चीज अभी तुमको बता के रखना चाहूंगा. मैं इसको ना थोड़ा और, ये जो अभी तुमको बताया था ये वाला चीज, इसको थोड़ा बेटर तरीके से और एक तरीके से बताना चाहूंगा. ठीक है, ये वाला चीज आई एम गोइंग टू टेल यू in with one more idea, a different idea, sorry ko bata raha hu, dhyan se suno. theek hai, humne v average ka expression kya likha? 5 times of del t plus 10 t ye likha tha na, ye wala expression likha tha humne. theek hai, aap par yahan par del t jo period hai that is infinitely small, that is the reason hum keh rahe hain ki del t is tending to zero. theek hai, abhi इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ध्यान दो. अगर मैं यहाँ पर डेल्टी का वैल्यू पुट कर दूँ, जैसे हमने डेल्टी का वैल्यू पुट कर दिया और डेल्टी इतना छोटा है कि अभी हम इसको एवरेज नहीं बुलाएंगे, इसको हम क्या बुलाएंगे? इंस्टेंटेनियस बुलाएंगे. तो 5 टाइम्स ऑफ डेल्टी क्या होगा? 0.00 इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस 1 प्लस 10 टी.
टी जो है बिगिनिंग ऑफ द टाइम है, बिगिनिंग ऑफ द टाइम इन दिस केस क्या है, टू सेकंड्स, तो टू पुट कर दिया, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा, 0.0000 इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस उसके बाद 5 + 20, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। डू यू एग्री विद दिस? यस और नो पीपल? यस ये प्लस 20 मतलब यहाँ पर हम 20 के साथ इस टर्म को ऐड करना चाहते हैं। अभी जनता थोड़ा लॉजिकली सोचो, ठीक है। लेट अस से कि निशान के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, करोड़पति है, ठीक है। निशान के अकाउंट में कितना पैसा है? 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़। आइए ना जनता जवाब दो। यस सर। ओके यस सर। अभी अगर मैं उसके अकाउंट में 2 रुपए डिपॉजिट करूं, कितना डिपॉजिट किया मैंने, 2 रुपीज, तो अभी उसके पास कितना पैसा है? 1 करोड़ 2 रुपीज। 1 करोड़ 2 रुपीज। यस, लेकिन रियल लाइफ में मैं बोलूंगा 1 करोड़ ही है उसके पास। Because 1 करोड़ के साथ अगर 2 रुपीज ऐड करोगे, it will not make any difference. Because 1 करोड़ के सामने 2 रुपीज infinitesimally small. जनता समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ के सामने अगर मैं 2 रुपए ऐड करूँ, ये तुम्हारे वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाने वाला। 1 करोड़ 2 रुपीज इज वेरी मच इक्वल टू 1 करोड़, बिकॉज वो जो 2 है जो हमने ऐड किया है, इट इज वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू 1 करोड़। राइट टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। तो 1 करोड़ के सामने हम 2 रुपीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यस सर नो? यस सर। यस सर। ये फिलोसफी समझ में आएंगे ना, ये होता। मैंने कहा कि अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें अगर मैंने 1 रुपए ऐड कर दिया, या 1 पैसा, चलो और भी छोटा अमाउंट लेता हूँ, 2 रुपए तो और भी बड़ा हो गया, 1 करोड़ में अगर मैं 1 पैसा ऐड कर दूँ, 1 पैसा, तो उसको हम 1 करोड़ ही बोलेंगे। We call it as 1 crore only. 1 crore के सामने 1 पैसा is what? Negligible. हम उसको क्या करेंगे? Ignore कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? 1 crore + 1 paisa = 1 crore ही लेते हैं। ठीक है? Similarly, देखो यहाँ पर हम 20 के साथ इसको ऐड कर रहे हैं। 20 के साथ हम किसको ऐड कर रहे हैं? 20 + 0.0000 infinite number of zeros with a 5. 20 के सामने ये 0.00 वाला जो क्वांटिटी है, ये बहुत 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 छोटा, वेरी 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 स्मॉल। दैट इज द रीजन जब हम 20 के साथ इस क्वांटिटी को ऐड करेंगे, तो इस क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं 20 के सामने, और ये पूरा वैल्यू जो है उसको हम 20 लिख दे सकते। मतलब ये जो क्वांटिटी है, हम इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे कि 1 करोड़ के साथ मैंने अगर 1 पैसा ऐड किया, तो डज नॉट मेक सेंस, 1 करोड़ ही रहेगा। सिमिलरली 20 के साथ अगर मैं 0.0005 को ऐड करूंगा, वो 20 ही रहेगा। तो ये क्वांटिटी जो है, इफ डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं? इस क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? Come on, people. Yes, sir. So, यहाँ पर dy by dt का expression अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पर ध्यान देना, dy by dt मतलब हमने time interval को इतना छोटा माना कि ये जो quantity है, ये वाला quantity, इसको neglect कर दिया। किसके सामने? 10t के सामने। देखो, neglect करने के लिए तुमको तुम्हारा comparison होना चाहिए, 5 delta + 10t. 10t के सामने ये quantity इतना, ओके फाइन, हम अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं बस तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे सामने क्वांटिटी है, उसके साथ तुमने एक इनफाइनिटली स्मॉल चीज को जोड़ा है, तो उस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, जैसे से इस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में तुम दूसरा जो क्वांटिटी है जो कि बहुत ही छोटा है, उसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते। बस यही चीज बताना चाहता हूँ। क्या ये सबको समझ में आया? ऑल ऑफ यू डू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर हम dy by dt जब लिखेंगे ना, dy by dt, तब हम 5 delta + 10t को सिर्फ 10t लिख देंगे, क्योंकि 10t के सामने 5 delta को, delta इतना छोटा हो गया कि 5 delta को हमने neglect कर दिया, एंड हमको मिल गया dy by dt,
इन दिस केस dy by dt is equal to 10t. बोलो ये समझ में नहीं आया, बोलो इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. पक्का? यस सर. ध्यान से देखो, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. लेकिन तुम लोगों का ऐसा देखो, बाद में बात करें, टॉक अबाउट इट लेटर. हो गया? ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ. तो हमको यहाँ पर हमारा जो फंक्शन था दैट वाज वाई इक्वल टू यहाँ पर, यस वाई इक्वल टू क्या था, जी टी स्क्वायर बाई टू, ये था ना हमारा फंक्शन. यहीं से तो पूरा कहानी चालू हुआ था. यस एंड नो पीपल, यहीं से चालू हुआ था ना वाई इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई टू. यस सर. यहाँ से पूरा कहानी चालू हुआ था. तो हमारा फंक्शन जो है y equal to g t square by 2, g by 2 को, g by 2 को हम 5 लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर y equal to 5 t square लिखा. क्या लिखा? y equal to 5 t square. ये जो है ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रिलेट करता है, ठीक है. एंड हमने जस्ट नाउ क्या निकाला, हमने जस्ट नाउ निकाला कि dy by dt का वैल्यू कितना है, 10t. ध्यान देना, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है. और dy by dt equal to 10t एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे केस में क्या रिप्रेजेंट कर, ध्यान से देखना है. लेकिन हाँ, मैंने क्या कहा था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना. v एवरेज का फॉर्मूला क्या था, v एवरेज के फॉर्मूला में वो 5 डेल्टी वाला टर्म जिंदा रहेगा, क्योंकि वहां पर डेल्टी जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा, वो इतना छोटा नहीं होगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर पाए. लेकिन अगर डेल्टी बहुत छोटा हो गया तो 5 डेल्टी को हम नेग्लेक्ट करके जो बाकी का टर्म है, दैट इज 10t, उसको हमने लिख दिया, ठीक है. तो ध्यान से देखो, इसको पढ़ते कैसे, ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म को हाउ डू वी रीड दिस, इसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है. हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और ये जो टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये तो हमको पहले भी मिल चुका था. यहाँ पर हम लोग एवरेज निकालते थे, मैंने क्या बोला था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, समथिंग मीटर इन वन सेकेंड. तो पर यूनिट टाइम अगर हम बात करें, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट टाइम, हम रेट वाला वर्ड यूज करते हैं, है ना. और वेलोसिटी तुमको ये बताता कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और कितना फास्ट वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो कैसे बताते हैं, हम ये बताते कि पर सेकेंड उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो. अभी अगर इसको निकालने के लिए हमने एक एवरेज टाइम का हेल्प लिया, तब जाके जो आंसर निकलेगा वो एवरेज का आंसर निकलेगा. लेकिन अगर हमने किसी इंस्टेंट का हेल्प लिया, किसी इंस्टेंट में हम कुछ बता रहे हैं, डेल्टी का वैल्यू इनफाइनिटली स्मॉल दिया, इन दैट केस जो भी आंसर निकलेगा दैट विल बी समथिंग मीटर्स पर सेकेंड. लेकिन वो जो वेलोसिटी होगा वो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, वो तुम्हारा उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम का वेलोसिटी होगा. तो यहाँ पर जो हमने डीवाई बाई डी टी लिखा है, इसको हम पढ़ते कैसे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टी. ये बात को समझो कि हमने यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू टी क्यों बोला है, क्योंकि एक बात बताओ, ये जो y जो है वो किस पे डिपेंड करता है जनता, वो t पे डिपेंड करता है. यस और नो? यस और नो पीपल? y जो है वो t पे डिपेंड करता है. देयर इज इट नॉट ऑब्वियस कि अगर y बदलेगा, ये कब बदलेगा, जब t बदलेगा तभी y बदलेगा. तो बात यह है कि अगर t के वैल्यू में यूनिट का चेंज आता है तो y का वैल्यू कितना चेंज है. मैंने क्या कहा, मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, अगर इसको तुम समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि t के वैल्यू में, क्या बोला मैंने, टाइम के वैल्यू में अगर यूनिट का चेंज आया तो y के वैल्यू में कितना का चेंज है, राइट. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल सी,
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू आया लेट्स से 20 मीटर इन 1 सेकंड, ध्यान देना 20 मीटर इन 1 सेकंड। मैंने क्या कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी को तुम कैसे समझ सकते हो कि टी के वैल्यू में अगर यूनिट का चेंज होता तो वाई के वैल्यू में कितना चेंज आएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये तो यही बता रहे हैं कि टी का वैल्यू अगर 1 सेकंड है उस 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, दैट इज 20 मीटर्स। तो नीचे जो है दैट इज 1 सेकंड, दैट मींस टाइम के वैल्यू में यूनिट चेंज आया, 1 सेकंड का चेंज आया, तो वाई के वैल्यू में कितना चेंज आया, 20 मीटर्स का चेंज आया। इसी को ही हम क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई कितना बदला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बदला। और एट द बैक ऑफ योर हेड तुमको ये पता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब टाइम अगर यूनिट से बदलता है तो वाई के वैल्यू में कितना चेंज आया होगा। इज दैट क्लियर पीपल, बताओ क्या ये क्लियर है, क्या कोई डाउट है, इफ एनी डाउट इन दिस बोलो प्लीज बोलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डाउट लेके मत रहना है, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कोई भी डाउट है तो बोलो। सर कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, कौन सा जगह समझ में नहीं आया बताओ। सर ये वाई 1250 स्क्वायर आफ्टर दैट वर्ड कैन यू एक्सप्लेन जो आपने बोला इंस्टेंटेनियस। मैंने कहा ये जस्ट ना हमने क्या निकाला देखो मैंने मिटा दिया तुमको वो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा ना, हमने इसके जस्ट पहले इस यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व किया था यहाँ पर dy / dt का वैल्यू क्या मिला था हमको, मिला था ना 10t। हाँ सर मिला था ना, ये प्रूफ करके दिखाया था ना, ये तो डिराइव करके दिखाया था कि dy / dt का वैल्यू 10t है। एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या था, एक्चुअली एक्सप्रेशन था 5 + 10t, ये था एक्सप्रेशन। फिर हमने बोला अगर टाइम बहुत छोटा है, इफ द टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम 5 वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस डेल वाई बाई डेल टी को हम डेल वाई बाई डेल टी नहीं लिखते, डेल वाई बाई डेल टी की जगह डेल वाई का छोटा वाई डी वाई, डेल वाई का छोटा वाई क्या है डी वाई, और डेल टी का छोटा वाई कौन है डी टी, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 5 + 10t। 5 को अगर 10t के साथ ऐड करते हैं, 5 अभी डेल्टी टाइम इतना छोटा है कि अगर मैं इसके साथ 10t के साथ ऐड भी कर दूं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो 5 को हम 10t के सामने नेगलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये 10t ही होगा। तो dy / dt का वैल्यू हमको क्या मिला था 10t मिला था। उस चीज को हमने फिर से यहाँ पर लिखा, मैंने बोला ये कहानी कहाँ से चालू हुआ था, कहानी यहाँ से चालू हुआ था y = gt square / 2, जी के जगह अगर हमने 10 पुट कर दिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर, हमने वही लिखा y का वैल्यू कितना हो गया 5t स्क्वायर, और हमने प्रूफ करके क्या निकाला dy / dt का वैल्यू कितना है 10t, वही मैंने यहाँ पर लिखा कि dy / dt का वैल्यू कितना है 10t। और तुमको ये पता है dy / dt का वैल्यू 10t कब मिला हमको, जब हमने डेल्टी को नेग्लेक्ट किया। डेल्टी को नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है कि डेल्टी जो है वो बहुत 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 छोटा है। डेल्टी अगर इतना छोटा है, अगर टाइम गैप इतना छोटा है तो हम एवरेज वैल्यू नहीं निकाल, एवरेज निकालने के लिए वी नीड ए पीरियड ऑफ टाइम, वी नीड ए स्पैन ऑफ टाइम। इफ डेल्टी इज सो स्मॉल दैट डेल्टी इज टेंडिंग टू जीरो, इतना छोटा है, तो हम किसी इंस्टेंट के बारे में बात करें, हम किसी मोमेंट के बारे में बात करें। यहाँ पर अगर हम चेंज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकाल रहे फॉर ए मोमेंट, तो वो एवरेज वेलोसिटी हम नहीं बुलाएंगे, उसको हम क्या बुलाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। That is the reason dy / dt हमने लिखा, del y / del t नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम del y / del t लिखेंगे तो average होगा। Period of time के लिए del y / del t लिखता है, is because we are finding out the value for an instant. हमने dy / dt लिखा, and dy / dt का value कितना निकला 10. That is the reason हम इसको क्या बोला instantaneous velocity. उसके बाद मैंने तुमको बोला इस dy / dt को तुम कैसे पढ़ोगे, How do you read this dy / dt? ध्यान से देखना, ऊपर है dy, नीचे dt. ये डेल वाई बाई डेल्टी का छोटा वाई है। डू ऑल ऑफ यू एग्री, आवाज दो। यस सर। यस सर। डेल वाई बाई डेल्टी का छोटा वाई डी वाई बाई डी टी। डेल वाई का छोटा वाई डी वाई और डेल्टी का छोटा वाई डी टी। डेल वाई बाई डेल्टी हम कब यूज करते हैं, जब हम एवरेज निकालते हैं। डी वाई बाई डी टी हम कब यूज करते हैं, जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। और इसको पढ़ा कैसे जाते हैं, हाउ डू रीड दिस, यहाँ पर इसलिए मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि अगर मैं अगर वेलोसिटी लिखता हूँ 20 मीटर पर सेकंड, इसको तुम कैसे पढ़ोगे कि एक सेकंड में 20 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल अगर वेलोसिटी का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या कि एक सेकेंड में बॉडी का पोजिशन कितना चेंज हुआ 20 मीटर। दैट मीन्स अगर टाइम में एक सेकेंड का चेंज आता है तो पोजिशन में 20 मीटर का चेंज आता है। दैट मीन्स इफ टाइम चेंजेस then position also changes by how much amount if time changes by unit value, 1 second matlab unit value hai na, yes sir. agar time ka value unit se change hota hai to y ka value kitne se change hoga, wahi hai rate of change of y with respect to t. kya bola maine, isi cheez ko hum kaise bolte hain, rate of change of y, y matlab 20 meter with respect to t. T अगर बदलेगा, ध्यान से सुनना, T अगर बदलेगा तो Y भी बदलेगा। रेट मतलब पर यूनिट टाइम, रेट मतलब पर यूनिट, तो Y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, T इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमको पहले से पता है कि अगर T बदलेगा तो Y भी बदलेगा। रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है कि T अगर यूनिट अमाउंट से बदलता है तो Y कितने अमाउंट से बदलेगा उसी को ही हम रेट ऑफ चेंज बोलते, रेट ऑफ चेंज ऑफ Y with respect to t. 20 meter per second का मतलब क्या है कि time में अगर एक second का बदलाव आया तो displacement में कितने का बदलाव आएगा, 20 meter. इसी चीज को language में कहते बताएंगे, rate of change of y, y is displacement with respect to time. बोलो ये समझ में आया, is that clear to all of you? Yes sir. Yes, okay. yes sir. अच्छा मुझे doubt किसने पूछा था, मुझे उसका नाम दिखाई नहीं दे रहा, doubt मुझे किसने पूछा? Sir Mehfiz. मैं फिर समझ में आया? हाँ सर। श्योर? यस सर, श्योर। मुझे एक्सप्लेन कर, तो मैं सुनता हूँ, एज ए टीचर एक्सप्लेन कर, हाँ बाकी लोग भी सुन रहे, बाकी लोग का भी हेल्प हो जाए। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया अभी, तो मुझे एक्सप्लेन कर, तुझे तो समझ में आया, कमान महफिस। Yes, sir. बोल ना, टेंशन क्यों ले रही है, बोल। सर ये लास्ट वाला पार्ट या पहले से? ये तेरा जो डाउट है ये लास्ट वाला पार्ट, अभी जो जस्ट मैंने समझाया। सर जब हाउ टू एक्सप्लेन, अरे एसएमएस में बोलना था एसएमएस में बोलो, हिंदी में बोलना था हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलना था इंग्लिश में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंशन नहीं लेने का, जो गलत सही जो भी है बोलो, पर बोलना है मतलब वो जरूरी है, बोलो बोलो। हमने इतना टाइम हमने एवरेज वैल्यू निकाला था महफिज, राइट, एवरेज डेल वाई बाय डेल टी, हाँ फिर हमने क्या किया नेक्स्ट डेल टी के साथ, क्या किया डेल टी को बहुत, बोलो महफिज डेल टी को क्या किया, टाइम डिफरेंस को क्या किया हमने, व्हाट डिड वी डू विद द टाइम डिफरेंस? हां हां नहीं, नेगलेक्ट किया डेल, या डेल्टी को बहुत छोटा किया, डेल्टी बहुत छोटा किया 0.00000, बहुत छोटा। तो उसके बाद हमने क्या किया, अभी जो बोला नेगलेक्ट किया, उसके बाद हमने नेगलेक्ट किया, किसके सामने नेगलेक्ट किया, टेंटी के सामने नेगलेक्ट किया, दैट इज द रीजन हमको dy / dt का वैल्यू टेंटी मिला है ना, हमको dy / dt का वैल्यू 10t मिला। सो अभी अगर हमने डेल्टी को इतना छोटा बनाया, बोलो मैं फिर आई एम हेल्पिंग यू आउट, बोलो सर हमने, बोलो सर हमने, हमने डेल्टी को बनाया, तो डेल वाई को क्या लिखते हैं हम, डेल वाई को 10 ऑफ 5t को, डेल वाई का छोटा भाई क्या है dy / dt, yes, फिर से बोलो सर डेल्टी का वैल्यू, बोलो सर डेल्टी का वैल्यू इतना छोटा किया,
इतना छोटा किया डेल वाई बदल के डी वाई हो गया डेल वाई बदल के डी वाई हो गया और डेल टी बदल के डी टी हो गया हाँ एग्जैक्टली तो डी वाई बाई डी टी जो है उसको हम पढ़ते कैसे हैं मैफिस हाउ डू वी रीड दिस डी वाई बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ y with reference to time yes ऐसा क्यों ऐसा इसलिए सर बिकॉज आप इक्वेशन देखो y इक्वल टू 5 t स्क्वायर y कब बदलेगा जब t बदलेगा बोलो रिपीट दिस y कब बदलेगा y जब टाइम बदलेगा तब फिर तो the displacement will change with respect to time yes so we read it as come on read it again रेट का मतलब क्या है पर यूनिट किसके वैल्यू में पर यूनिट चेंज होगा वाई का वैल्यू में नहीं वाई के वैल्यू में कहां पर यूनिट चेंज है जनता बाकी लोग बताओ किसके वैल्यू में पर यूनिट चेंज हुआ है टाइम के वैल्यू में यस देखो नीचे एग्जांपल देके रखा है 20 मीटर पर सेकंड टाइम के वैल्यू में किसको तुम बदल सकते हो टाइम के वैल्यू बदल सकते हो वाई अकॉर्डिंगली चेंज हो बिकॉज़ वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम बदलेगा तो वाई बदलेगा तो किसका वैल्यू यूनिट से चेंज किया मैथिस बताओ इसका यूनिट किसका वैल्यू यस टाइम का वैल्यू यूनिट से चेंज हुआ दिख रहा है ना वन सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितने से चेंज हुआ 20 मीटर से चेंज हुआ ठीक है सो दैट इज हाउ वी रीड दिस समझ में आया इज दैट क्लियर यस सर यस सर ये जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम या अगर वाई एक्स पे डिपेंडेंट होता यहाँ से सुनना बाकी लोग अगर वाई एक्स पे डिपेंडेंट होता तो हम बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोचो करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हम बोलेंगे डी आई बाई डी टी क्या बोलेंगे हम डी आई बाई डी टी ठीक है करंट के टाइम के साथ करंट कैसे बदल रहे तो ये जो रेट ऑफ चेंज जो हम निकालते हैं ये जो हम मेजर कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बुलाते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट the rate of change जैसे कि हमने जस्ट नाउ देखा कि अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है y equal to 5 t square और इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है dy by dt तो वो कितना है 10 t इसको हमने बहुत मेहनत से डिराइव किया है ना पीपल हमने पूरा ये बड़ा सा मैथमेटिक्स किया समझ में आ रहा ही नहीं यार हमने इतना सारा मैथमेटिक्स किया तब जाके हमको ये पता चला कि रेट ऑफ चेंज का फंक्शन क्या है रेट ऑफ चेंज का फंक्शन है 10 t है ना पीपल यस सर यस सर तो यहां पर अलग कुछ फेमस ये भी एक फंक्शन है ठीक है दिस इज अ फंक्शन ऐसे ही अलग अलग वैरायटी ऑफ फंक्शंस के लिए डायरेक्टली ये ऐसे इस तरीके का फॉर्मूला दिया है ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना डी वाई बाई डी टी 10 t होगा अगर y 5 t स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 10 t है ये तो हमने डिराइव किया तो इस तरीके से बहुत सारे कॉमन फंक्शंस का dy by dt का वैल्यू कितना होगा या dy by dx का वैल्यू कितना होगा वो फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है और वो जो फॉर्मूला है वो हमको याद रखना पड़ेगा तो वो फॉर्मूला क्या है वो अभी मैं नहीं बोलूंगा अभी मैं तुम लोगों को आगे जाके ये जो हमने जस्ट नाउ सीखा वो ग्राफिकली उसका मतलब क्या है ग्राफ्स में उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको लेके डिस्कस करूंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा बस अभी तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता के रख रहा हूँ हर बार इतना मैथमेटिक्स करके
y इक्वल टू 5t स्क्वायर है तो dy by dt 10t होगा. इतना मेहनत करके ये निकालना बहुत मुश्किल होगा. तो कैलकुलस, इसको हम कैलकुलस का पार्ट बोलते हैं. डिफरेंशिएशन में कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलास दिए हुए. फॉर्मूला क्या होगा, जहां पर तुमको ऐसा एक फंक्शन दिया जाएगा, ये फंक्शन है ठीक है, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, dy by dt का वैल्यू क्या आएगा, वो तुम्हारा दिया हुआ है. तो अगर तुम उसको डायरेक्टली याद कर लोगे तो तुम्हारे सामने जितने भी फंक्शन आएंगे उसका अगर तुमको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो तुम उस फॉर्मूला को यूज करके बहुत आसानी से तुम रेट ऑफ चेंज निकाल पाओगे. ठीक है पीपल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या तुमको ये समझ में आया मैंने जो बोला? यस सर. आगे जाके बताऊंगा, मैं तुमको आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं, फॉर्मूला आगे जाके बताऊंगा. अभी जस्ट मैंने तुमको फील दे के रखा है ठीक है, रेट ऑफ चेंज. जैसे कि अगर मैं तुमको पूछूं भाई एसिलेशन का फॉर्मूला क्या है, अभी इसी कहानी को अभी तक ग्राफ में नहीं जा रहा, इसी को समझा रहा. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है अगर मैं तुमको ये पूछता हूँ, और तुम बोलते हो सर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकिंग, ये है. लेकिन ये इसको हम ना एवरेज एक्सीलरेशन को लाएंगे, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टी लिखेंगे एंड टाइम टेकिंग को हम डेल्टी लिखेंगे. ये जो डेल्टी है दिस रिप्रेजेंट्स ए पीरियड ऑफ टाइम. जनता मैं फिर से पुराने बात को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुनो. यहाँ पर डेल्टी जो है एक पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टाइम के स्पैन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जब तुमको एक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए तब उससे तुम क्या निकालोगे, एवरेज वैल्यू निकालोगे. जब तुम इस पीरियड को छोटा करते 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 डेल्टी के वैल्यू को छोटा करते 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 टेंडिंग टू जीरो कर दो, ये जो टाइम गैप है इस पीरियड को छोटा करते 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 इतना छोटा कर दिया कि तुमने डेल्टी का वैल्यू टेंस टू जीरो कर दिया, उस वक्त तुम एवरेज वैल्यू नहीं निकालते. उस वक्त तुम कौन सा वैल्यू निकालते हो, जनता जवाब दो, उस वक्त तुम कौन सा वैल्यू निकालते हो? कम ऑन पीपल, इंस्टेंटेनियस वैल्यू. यस, तब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते. जैसे कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगर हमको चाहिए तो मैंने क्या कहा था, ऐसा लिमिट लगाना पड़ता, इसको हम क्या बोलते हैं, हम लिमिट बोलते हैं. मैथ्स में पढ़ोगे आगे जाकर, लेकिन इससे ज्यादा तुमको नहीं चाहिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना काफी है. तो अगर तुम ऐसा लिमिट लगा दोगे डेल्टी, तुमने क्या बोला, डेल्टी टेंस टू जीरो, किसके आगे लगाया, डेल वाई बाय डेल्टी लगाया, तो ये जो पूरा क्वांटिटी है वो बदल जाएगा. डेल वाई का वैल्यू बदल के क्या हो जाएगा, डी वाई, और डेल्टी का वैल्यू बदल के क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, डेल वाई बाय डेल्टी गलती से लिख दिया जनता, ये क्या होगा, डेल वी बाय डेल्टी. ना हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं पीपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आया ना मैंने क्या लिखा? यस सर, यस सर, यस सर. डेल वी को क्या लिख देंगे, डी वी लिख देंगे, और डेल टी को क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे. इसको हम कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ, ध्यान से सुनना. कैन एनीवन, किसी को ट्राई करना है, हाउ शैल वी रीड दिस डी वी बाई डी टी को? कम ऑन सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अगर टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी भी बदलेगा. लेकिन रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब यह है कि टाइम का वैल्यू अगर यूनिट से चेंज होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना चेंज होगा, राइट. एक्सीलरेशन से तुमको यही बताना है कि तुम्हारा वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज हो रहा है. वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज हो रहा है उसको मेजर कैसे करते हो, पर सेकेंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है ना. अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, ये जो तुम लोग लिखते हो उसका लॉजिक समझा रहा. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक्सीलरेशन लिखा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लिखा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ना तुमने लिखा सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना पीपल, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. यस और नो? यस सर. कैन आई राइट इट दिस वे, कैन आई राइट इट दिस वे, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड in one second, can I write it this way? Yes sir. Yes sir. So इस चीज को ऐसे देख के can anyone explain? मैंने जिस तरीके से तुम लोगों को अभी जस्ट ना समझाया, कोई मुझे ये explain कर सकता है? 10 meter per second divided by 1 second. What does it mean? Anyone? Come on, give it a try. तब जाके मुझे confidence मिलेगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है.
सर पर सेकंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर चेंज्ड 10 मीटर पर सेकंड चेंज्ड यस 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 एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था कि टाइम का वैल्यू अगर यूनिट से चेंज होगा ध्यान देना टाइम का वैल्यू अगर यूनिट से चेंज होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू कितने से चेंज होगा वो ये बताता है रेट ऑफ चेंज बताता है तो ये क्या है भाई ये टाइम का वैल्यू है टाइम का वैल्यू कितने से चेंज हुआ जनता 1 सेकंड से तो ये दिया हुआ है कि एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू कितने से चेंज हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड इसी चीज को हम लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट का मतलब है पर यूनिट जनता ध्यान दो रेट का मतलब क्या है जनता रेट का मतलब है पर यूनिट पर यूनिट व्हाट इन दिस केस पर यूनिट टाइम इन दिस केस टाइम को अगर हम यूनिट से बदलेंगे तो वेलोसिटी कितने से बदलेगा 10 मीटर पर सेकंड फील करो कम ऑन पीपल यू हैव टू फील द लाइंस तब जाके फिजिक्स में मजा आएगा तब जाके हमको फिजिक्स में मजा आएगा इंस्टेंटेनियस तुमको किसी मोमेंट का डाटा बताए एवरेज जो है वो तुमको ओवरऑल पिक्चर बताएगा एवरेज ओवरऑल एवरेज को समझने के लिए पीरियड ऑफ टाइम चाहिए लेकिन उसी डेल्टी को अगर तुम इतना छोटा बना दोगे कि डेल्टी को तुम टेंडिंग टू जीरो कर दोगे उस वक्त का जो वैल्यू होगा वो एवरेज नहीं बुलाएंगे उसको हम इंस्टेंटेनियस बुलाएंगे यस पीपल लेट अस टॉक अबाउट करंट कैन एनीवन गिव मी द फॉर्मूला फॉर करंट What is the formula for current? Come on. Q by T. Can I say charge flown? Kitna charge flow kar raha hai? Divided by time? Yes, sir. So, agar mujhe average current likhna hai, dhyan se dekhna. Agar mujhe average current likhna hai, to charge flown ko hum del Q likh sakte hai, and time ko hum del T likh sakte hai. मुझे करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है तो मुझे इस टर्म को बदलना पड़ेगा इस टर्म को बदलने के लिए इस टर्म के आगे मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा और लिमिट का मतलब है कि डेल्टी को तुमने इतना छोटा किया कि डेल्टी का वैल्यू अभी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है टेंडिंग टू जीरो है जीरो नहीं है लेकिन टेंडिंग टू जीरो बहुत ही छोटा है इन दैट केस अगर तुमने लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो को डेल क्यू बाय डेल टी के आगे लगा दिया तो डेल क्यू बदल के डी क्यू बन जाएगा और डेल टी बदल के डी टी बन जाएगा और इसको तुम कैसे बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेफरेंस टू टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलता हूं फ्लो विल बी अ बेटर वर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज With respect to time, है ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बोलते हो कि करंट जो एम्पियर में लिखते हैं बट अगर मैं पूरा यूनिट में लिखना चाहूँ सोचो 10 कोलम पर सेकेंड 10 कोलम पर सेकेंड का मतलब क्या है 10 कोलम डिवाइडेड बाई 1 अगर टाइम एक सेकेंड गुजरता है टाइम के वैल्यू में अगर यूनिट का चेंज आता है तो चार्ज के फ्लो में कितने का चेंज आएगा 10 कोलम का चेंज आएगा इसी का मतलब है रेट ऑफ चेंज इसकी का मतलब है रेट ऑफ चेंज बोलो जनता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो यस सर फील करो यार यू हैव टू अंडरस्टैंड रटना मत फील करो बहुत जरूरी है रटना मत इसका इज दैट क्लियर इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो कम ऑन पीपल टेक ए स्क्रीनशॉट लिख लिया ओके यस सर यस सर और एक एग्जांपल कैन यू टेल मी द फार्मूला फॉर एवरेज पावर का फार्मूला पावर तो पढ़ा है तुम लोगों ने आई थिंक सो पढ़ा है ना एनीवन अच्छा पावर पढ़ा ही नहीं पढ़ा ये बताओ पावर पढ़ा ही नहीं एनर्जी बाय टाइम Yes. W by time. Yeah, energy by time. दोनों सही है ठीक है ना दोनों सही है मैं एनर्जी से काम चलाता हूँ फिलहाल हाँ तो हमने डेल ई बाई डेल टी लिखा आई होप सो सबको समझ में आएगा डेल का मतलब क्या है finite. और अगर हम finite value के साथ deal करते हैं डेल टी जो है finite amount of time
मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब ये एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट लगाने वाले हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो किसके आगे लगाने वाले हैं, डेल ई बाई डेल टी। और ये पूरा चीज कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई डी ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू अगर लेट अस से 10 जूल्स पर सेकंड है, बच्चा पार्टी अपने दिमाग में इसको तुम कैसे पढ़ोगे, 10 जूल्स इन 1 सेकंड, दिमाग में हमेशा ये चलेगा, यस सर, 10 जूल्स इन 1 सेकंड। इसका मतलब है कि टाइम का वैल्यू अगर यूनिट से बदलोगे तो एनर्जी कितना सप्लाई कर रहे हो, 10 जूल सप्लाई पे, समझ रहे हो जनता, यस सर, समझ रहे हो जनता, यस सर, यस सर, फील आ रहा है। इसको हम कैसे बोलेंगे, rate of supply of energy with respect to time, बोल सकते हैं, because for example मैं एक motor से energy दे रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, rate of supply of energy, बोलो ना, सही बोल रहा हूँ ना, rate of supply of energy with respect to time, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज निकालने को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली द मेजर ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बदलेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल बदले, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू में अगर मैं यूनिट चेंज लाऊंगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा उसी को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते, उसी को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते। और इन अदर वर्ड्स डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज। कम ऑन पीपल, डू यू एग्री, यस सर, ऑल ऑफ यू एग्री, यस सर, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस, यस, फील आया, फील आया, यस सर, पक्का, यस सर। So will you send another link? एक मिनट है ना, अभी आज नहीं, आज क्लास यहीं पर ही कंक्लूड करेंगे, हाँ? ओके सर। यार रिकॉर्डिंग का पॉज क्या था मैंने?